झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम 6 दिनों तक पूछताछ करेगी, इसको लेकर के कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर कौन है आलमगीर आलम जिन्हें ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। बीते दिनों उनके पीए संजीव लाल और उनके निजी सहायक जहांगीर आलम के यहां से करोड़ों रुपए मिले थे। ईडी ने उसी मामले को लेकर पूछताछ के लिए झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को 14 मई को तलब किया था। पहले दिन मंत्री से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद 15 मई को फिर तलब किया गया था। दिन भर चली पूछताछ के बाद शाम को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 52 साल के आलमगीर आलम के पास 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। 2019 के चुनाव शपथ पत्र में उन्होंने 39 लाख रुपए के कर्ज का भी खुलासा किया था। इससे पहले 2014 के हलफनामे के मुताबिक उनके पास 6 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी। उन्होंने उस समय 45 लाख रुपए के कर्ज का खुलासा 2014 के चुनावी हलफनामे में किया था। देखिए, सीधी बात है कि कानून का सम्मान करते हुए, ईडी के सम्मान का सम्मान करते हुए आलमगीर आलम साहब ईडी दफ्तर कल गए। दिन भर उनसे पूछताछ की गई, फिर आज दिन भर पूछताछ की गई, फिर अचानक से गिरफ्तारी की खबर आती है। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है, तो इसमें एक राजनीतिक बू आती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति ईमानदारी से आपके सामने पेश हो रहा है और वो भागने वाला व्यक्ति नहीं है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति है और मंत्री है, तो निश्चित रूप से कानून को भी उनका सम्मान करना चाहिए था। वो भागने वाले लोग नहीं है। फर्स्ट समन में पहली बार फर्स्ट समन किया और तुरंत वो पूरे चुनाव के कार्य में व्यस्त थे। वो चाहते तो व्यस्तता का कारण बताते हुए समय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने सहयोग करने का निर्णय लिया। और उनके साथ अगर देखा जाए तो एक तरह से ये ठीक नहीं हुआ कि जब व्यक्ति सामने जा रहा है, आप पूछताछ कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहा है, तो फिर आप और एक दिन बुला लेते और 2 दिन बुला लेते। ऐसे कई लोगों को आपने बुलाया और छोड़ दिया, तो फिर जितने लोगों की बात करते हैं आपको सबकी गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक राजनीतिक मैसेज देना है। लेकिन ये मैसेज जो जा रहा है ये ठीक नहीं जा रहा है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज देने का प्रयास किया चुनाव में, बीच में रोक करके उनको जेल भेजने का काम किया और फिर तुरंत से उनको सर्वोच्च न्यायालय ने माना होगा कि गलत हुआ है, तभी उन्होंने उनको बेल देने का काम किया। तो ये जो सारी कवायद चल रही है, पूरे देश के लोग अपनी नंगी निगाहों से देख रहे हैं और ये लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे तमाम ताकतों को जवाब देने का समय होता है। हम समझते हैं पूरी ताकत से जनता इसका जवाब देगी। कोई कानूनी प्रक्रिया है उसका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। भ्रष्टाचार के बिल्कुल हम विरुद्ध है, खिलाफ है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन कोई इस नाम पे किसी को परेशान करेगा और इस नाम का या इस काम का फायदा उठा करके राजनीतिक लाभ लेगा, वो होने नहीं देगा। देखिए, हमारा मानना है झारखंड में द ग्रेट करप्शन प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट चल रहा है। कैप्टन तो पहले ही जेल में, हेमंत सोरेन तो पिछले 3 महीने से जेल में है, और जो वाइस कैप्टन थे, नंबर 2 थे कैबिनेट में आलमगीर आलम, उनका भी कल विकेट गिर गया। तो ये जो डेयर डेविल करप्ट टीम है ना, अब इसके एक एक खिलाड़ी उखड़ते जा रहे हैं, और हमें लगता है वो दिन दूर नहीं जब पूरी की पूरी कैबिनेट इनकी सेंट्रल जेल रांची के भीतर होगी, और शायद इनकी अंतिम जो कैबिनेट हो सरकार खत्म होते होते वो होटवार के सेंट्रल जेल में ही हो। लेकिन पूरे तरीके से झारखंड को इस सरकार ने लूट लिया, शर्मसार किया अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर झारखंड को। और हमारा मानना है कि इस सरकार का जाना तय है। अब जनता इस बार के लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में इन करप्ट लोगों को उखाड़ फेंकेगी। इसमें एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूँ बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। 2009 के हलफनामे के अनुसार उनके पास 1.41 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उस समय उनके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज था।
mynetaa.info पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2014 के चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने एक आपराधिक केस का भी जिक्र किया था। झारखंड विधानसभा की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आलमगीर आलम का जन्म 8 जनवरी 1950 को साहिबगंज के इस्लामपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय सनाउल हक और माता का नाम स्वर्गीय अमीना खातून है। आलमगीर आलम के दो बच्चे हैं और इनमें एक बेटा और दूसरी बेटी है। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का पेशा बिजनेस रहा है। वह खेती से भी जुड़े हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मध्यम वर्गीय परिवार है। आलमगीर आलम की शैक्षणिक योग्यता BSSC है। आलमगीर आलम सन 2000 में विधायक बने थे। उसके बाद 2005, 2014 और 2019 में विधायक चुने गए। उन्होंने कभी भी सांसदी का चुनाव नहीं लड़ा। वह बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और सऊदी अरब की यात्रा कर चुके हैं। आलमगीर आलम को 12 मई को ईडी ने पूछताछ के लिए समन किया था। उन्हें ईडी ने अपनी संपत्ति के कागजात के साथ पेश होने को कहा था। ईडी ने बीते हफ्ते आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के घर दबिश की थी। उस छापेमारी में ईडी को 35.23 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। संजीव लाल झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। इतना कैश मिलने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। ईडी की टीम ने 7 मई को दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे पूछताछ के आधार पर आलमगीर आलम को तलब किया गया था और अब आलमगीर आलम भी ईडी की गिरफ्त में है और उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम से अब 6 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी की टीम, जिसकी मंजूरी कोर्ट ने दे दी है। लाइव इंडिया हरपल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।